नमस्कार। आज का पाठ है नौबत खाने में इबादत और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इसमें अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का एक बच्चा है जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बचपन का नाम है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान यहाँ पर प्रमुख शहनाई वादक हैं, हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। उनका बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्ला खान को बचपन में ये पता नहीं होता कि राग किसे कहते हैं, राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी उन्हें ये पता ही नहीं है कि राग किसे कहते हैं। और मामू जान जो थे, उनके मामा थे और वो उन्हें राग के विषय में बताते हैं। लेखक ने अमीरुद्दीन अथवा उस्ताद बिस्मिल्ला खान के दोनों मामा, जिनका नाम सादिक हुसैन और अली बख्श है, ये दोनों भी देश के शहनाई वादक हैं और दोनों का काफ़ी नाम है शहनाई के क्षेत्र में। वाजिब एक शब्द आया है जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं, प्रथम पैराग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर वाजिब शब्द का मतलब है उचित, उचित ज्ञान नहीं होना। अमीरुद्दीन को अपने मामाओं के द्वारा बार बार भीम पलासी और मुल्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग सुनकर यह समझ नहीं आता था कि इन शब्दों का वाजिब अर्थ क्या हो सकता है या उचित अर्थ क्या हो सकता है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खान साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। देखिए, पाठ में शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे मंगल ध्वनि? क्योंकि बिस्मिल्ला खान सबसे पहले बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, इसीलिए शहनाई को मंगल का परिवेश बनाने वाला वाद्य भी कहते हैं। बिस्मिल्ला खान साहब 80 वर्षों तक शहनाई बजाते रहे हैं और 10 वर्ष की आयु से ही उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाना शुरू कर दिया था और वे निरंतर अभ्यास करते रहे। अब भी परमात्मा से यही मांगते हैं कि उनकी शहनाई अच्छे सुरों से सजी रहे, यानी सच्चे सुर की नेमत उन पर बनी रहे। 80 वर्ष की पांचों वक्त वालगी नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है, यानी कि हर समय वो जब भी नमाज करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि यह सुर बना रहे, यानी कि जो उनकी शहनाई है वो सुर जो है हमेशा इसी प्रकार के देती रहे और अच्छे सुर निकालती रहे। लेखक बताना चाहता है कि बिस्मिल्ला खान शहनाई वादन में सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने वादन से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, फिर भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि ये सुर उनके बने रहें। नमाज के बाद बिस्मिल्ला यही कहते हैं कि मालिक मुझे सच्चा सुर प्रदान करे और मेरे सुरों में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे कि मेरी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। वे इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छी शहनाई बजाना चाहते हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। काफ़ी समय से काशी में संगीत का आयोजन होता रहा है और यह आयोजन वहाँ के संकट मोचन मंदिर में होता है। इस आयोजन में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन दोनों प्रकार का गायन का प्रोग्राम होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक इस प्रकार के गायन का आयोजन किया जाता है और उस सभा में बिस्मिल्ला खान की शहनाई अवश्य होती है। बिस्मिल्ला खान अपने धर्म के प्रति
पूरी तरह से समर्पित हैं, इसीलिए वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। साथ ही वो बालाजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई भी बजाते हैं और उनकी काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा है। संकट मोचन मंदिर काशी शहर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक हमेशा बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन होता रहता है। बिस्मिल्ला खान कभी भी काशी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ गंगा है, बाबा विश्वनाथ हैं, बालाजी का मंदिर है और कई वर्षों से उनका परिवार इस मंदिर में शहनाई बजा रहा है। बिस्मिल्ला के नाना जी भी इसी मंदिर में शहनाई बजाते थे। उनके मामा जाने माने शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्ला खान के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर कोई जन्नत यानी स्वर्ग है ही नहीं। वह मरदे दरतम तक काशी में रहना चाहते हैं और शहनाई वादन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसी काशी नगरी में उन्हें यह वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा मिली और इसी शिक्षा के द्वारा उन्हें सब कुछ मिला। आज की काशी भी संगीत के स्वरों से जगती है और संगीत की थपकियां उसे सुलाती हैं, यानी कि काशी की सुबह भी संगीत से होती है और शाम भी संगीत से ख़त्म होती है। बिस्मिल्ला खान की शहनाई जब बजती है तो उसकी प्रभाती यानी सुबह के संगीत का स्वर काशी को जगाता है। काशी में मरना व्यक्ति मंगलदायक मानते हैं। मंगलदायक क्यों है? क्योंकि यह भगवान शिव की नगरी है और मरने के बाद जो मनुष्य यहाँ मरता है उसे शिवलोक प्राप्त हो जाता है और वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए काशी में मरना लोग शुभ फलदायक मानते हैं और मोक्ष का प्रदाता भी इसे माना जाता है। काशी के पास बिस्मिल्ला खान जैसा नायाब हीरा उपलब्ध है, जो अपने सुरों से काशी में प्रेम रस बरसाता रहता है। उसने सदा काशी वासियों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी। काशी को आनंद कानन कहा है। काशी को आनंद कानन क्यों कहा है? आनंद कानन का मीनिंग क्या है? क्योंकि यहाँ विश्वनाथ विराजमान हैं और उनकी कृपा से हमेशा यहाँ आनंद और मंगल की वर्षा होती रहती है। विभिन्न संगीत सभाओं में उत्सव का वातावरण रहता है, इसलिए यहाँ हमेशा आनंद ही आनंद छाया रहता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता रहेगा। डुमराव एक गांव है। यहाँ सोन नदी के किनारे पाए जाने वाली नरकट नाम की घास से शहनाई की रीड बनाई जाती है, जिससे शहनाई को फूंका जाता है। और यहीं पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म भी हुआ। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान और पिता उस्ताद पैगंबर बख्श खान भी डुमराव के निवासी थे। जहाँ भी कोई भी उत्सव या समारोह होता है तो बिस्मिल्ला खान की शहनाई की ध्वनि वहाँ पर हमेशा सुनाई देती है। उनकी शहनाई की गूंज से ही वातावरण का आगाज होता है, इसलिए बिस्मिल्ला खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। शुशीर वाद्य होता है जो मुंह से फोंक कर बजाए जाते हैं और शहनाई उन्हीं वाद्यों में से एक होता है। बिस्मिल्ला खान को उनकी शिष्या फटी तहमत न पहनने के लिए कहती हैं तो खान साहब कहते हैं कि सुर नहीं फटना चाहिए, फटी हुई लूंगी तो सिल सकती है और सुर फट जाए तो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वो भगवान से कहते हैं कि उन्हें कभी भी फटा हुआ सुर ना दें। बिस्मिल्ला खान 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे हैं और वे शहनाई के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। नमाज पढ़ते भी वो यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमेशा मधुर सुर ईश्वर प्रदान करे।
काशी के पक्का महाल क्षेत्र से मलाई बर्फ बेचने वालों का चले जाना बिस्मिल्ला खान को बहुत खलता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि काशी में पहले जैसी देसी घी की जलेबियाँ और कचौड़ियाँ भी नहीं बनती हैं। बिस्मिल्ला खान हमेशा मंदिर के किनारे ही संकट मोचन मंदिर में शहनाई बजाते थे। वे मुहर्रम के दिनों में 8वीं तारीख पर खड़े होकर शहनाई बजाते थे तथा दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल जाते थे। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम धर्मों में भेदभाव न करते हुए वह हमेशा शांति और सद्भाव का प्रतीक बनकर के रहते थे। बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न, पद्म विभूषण, डॉक्टरेट आदि अनेक उपाधियां मिली थी, लेकिन वो बिल्कुल सीधा जीवन व्यतीत करते थे। उनकी एक शिष्या उन्हें फटा हुआ तहमत पहनने पर टोकती है तो वे कहते थे कि सम्मान उनकी शहनाई को मिला है, तहमत को नहीं। और बिस्मिल्ला खान भारत के सच्चे सपूत थे। मुसलमान होते हुए भी वो हिंदू थे और जाति विशेष से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका धर्म सभी को शांति प्रदान करना था। मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्ला खान स्वयं तथा उनके परिवार का कोई भी सदस्य ना तो शहनाई बजाता और ना संगीत सम्मेलन में भी भाग लेता था। बिस्मिल्ला खान साहब को भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण के सम्मानों से सम्मानित किया था। रसूलन बाई और बतूर